बिल्कुल टेल एंड पे हूँ प्रेगनेंसी जस्ट अ फ्यू वीक्स टू गो अल्लाह हिम्मत दे मुझे क्योंकि कसम से लग रहा है पिछले नौ महीने से तो, तो मैं सो ही नहीं हूँ तो अब लुकिंग फॉर्वर्ड टू तो मे बी गेटिंग तो गे वन फुल नाइट स्लीप ना राइट साइड पे लेट पाती हूँ ना लेफ्ट साइड पे लेट पाती हूँ बैक पे तो वैसे ही डॉक्टर ने मना किया हुआ है उठती हूँ तो चलती हूँ तो टांगों में दर्द शुरू हो जाती है बैठती हूँ तो कमर में दर्द शुरू हो जाती है लेटती हूँ तो साइडों में दर्द शुरू हो जाती है हाल बहुत ख़राब है बस दुआओं में याद रखिएगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में माय प्रेगनेंसी सोफार अब तो खैर एंड पे है प्रेगनेंसी uh, और बहुत से वेरियस डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुज़री हूँ इस बार फ्रॉम यू नो पहला जो मेरा ट्राइमेस्टर था पहले तीन महीने और बल्कि पहले चार साढ़े चार महीने कॉन्सटेंटली वॉमिटिंग तबीयत ख़राब हालत ख़राब फिर कोविड के दौरान एक्सपेक्टिंग फिर जिन मतलब यू नो मेगाजिस्ट जो हैं उन तक पहुंचना एक प्रॉब्लम बिकॉज एवरी टाइम यू नो आप जब प्लान करते हो कोरोना के हालात के अंदर उस वक्त uh, जाना टू द डॉक्टर तो आपको रिकमेंड यही किया जाता है कि मत जाएं देन द यू नो फ्रॉम देयर मूविंग ऑन टू फाइंडिंग आउट के अगेन आई है प्रसेंटा प्रीविया यानी कि डॉक्टर्स का बेसिकली ओपिनियन ये था कि ज़्यादातर बेड रेस्ट एंड देन इतना बुरा एडीमाडीमाजेंस बे, बेसिकली होती है एक स्वेलिंग हो जाती है आपको वाटर रिटेंशन बड़ी सवियर हो जाती है वो बैक में पेन आई मीन आई कान टेल यू मैं एक्चुअली अपनी मम्मी को कुछ दिन पहले फ़ोन पे कह रही थी कि ममा इस बार तो अल्लाह की कसम गिट्टे गोडे हिल गए एंड ऑफ कोर्स आफ्टर नाइन मंथ्स एंड थ्री वीक्स क्योंकि एक्चुअली प्रेगनेंसी तो फोर्टी वीक्स की होती है तो यू नो आफ्टर दैट टाइम फाइनली जब बच्चा गोद में आता है तो फिर यू you नो know, ये पूरी जर्नी जो है वो अथिट होती है लेकिन जब आप इस स्टेज में होते हैं ना अपने नाइन्थ मंथ में तो आपकी मत मारी होती है आप सोच रहे हो तो किसी तरह मुझे ज़िंदगी में सुकून आ जाए आ, ना रात को नींद आती है ना यू you नो know, अगर ना आप खा सकते हो सही तरह आप जब खाते भी हो तो यू you नो know, हार्ट बर्न का इशू लगता है खाना यहाँ पे चढ़ा हुआ है मतलब बॉडी की आपकी शेप बदल जाती है ओ एंड ऑफ कोर्स फैट शेमिंग हाउ कैन वी फॉरगेट फैट शेमिंग वो तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती है um, आप बता भी दो कि यू एक्सपेक्टिंग लो, तो लोग कहते ज़्यादा नहीं चढ़ गया तो यू लाइक की <laughs> मतलब आपने तो नहीं मेरा वेट उतारना ना मैं नहीं उतारना है मैं उतार लूँगी एंड um, फिर अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी आपने किसी को नहीं सुनानी होती बट खैर लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग सो लास्ट ईयर इन 2019 आई थिंक सितंबर अक्टूबर में आई हैड अ वेरी बैड मिस जिसके बाद आई बिकेम वेरी वेरी डिप्रेसड आई बिकेम वेरी अपसेट एंड यू नो मुझे लगा कि अब मेरे ख्याल से दिस इज़ इट अब तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू मेरी यही ख्वाहिश थी कि एक, एक एक बेटी हो हमजा की बारी भी हसन की बारी भी आई बोथ टाइम्स स्प्रेइंग फॉर अ डॉटर अल्लाह ने सेहतमंद मुकम्मल औलाद दी बेटे दी अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का बहुत करम है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल मैं बार बार ये, बार ये बात कहूँगी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है देन दिस टाइम आई थॉट कि चलो शायद बेटी हो जाएगी मिस कैरेट होगी वेरी डिप्रेस्ड देन

फिर मिस कैरेज हुई यू नो you know, मेरी मिस यूजुअली यूजली सेकेंड स्टार्ट होने के बाद आ, होती थी तो जब इस बार पता चला फेबुरी में कि आई एम प्रेग्नेंट तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बड़ी लंबी डिस्कशन की और फैसल ने यही कहा कि जो अगर इस बार अगर इफ़ यू जेन्यूनली बिकॉज फैसल इज़ ऑसम दैट वे हिज एटीट्यूड इज़ के उसके प्रीवियस मैरिज से भी उनके दो बच्चे हैं दानियान कमालन दैज़ हमजा फ्रॉम माई प्रीवियस मैरिज एंड देन हम दोनों का हसन है इस सर हमारी फैमिली अलहमदल्ला कम्प्लीट है तो मेरी बेटी की बड़ी ख्वाहिश है कि हो एक और तो वो चलो अपनी जगह बात ठीक है लेकिन अगर इफ़ यू आर प्रेगनेट नाउ काम शाम सब चीज़ों से आप ब्रेक ले लो टेक दिस वन ईयर एट मंथ्स नाइन मंथ्स ऑफ रिलैक्स करो एंड देन आराम से यू नो गो हैड एंड यू नो काम पे वापस चले जाना काम तो अपनी जगह खड़ा है फिर बड़ा मुश्किल डिसीजन लिया कि चले अब आई विल फोकस ऑन जस्ट यू नो हैविंग द बेबी एंड द प्रेगनेंसी और मेरा जैसा बंदा जिसको चौदह चौदह अठारह अठारह घंटे काम करने की आदत है दिन में मैंने कहा कि बस अब बैठ जाओ टिक जाओ चार महीने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना खैर फोर मंथ्स जैसे भी जैसे तैसे भी गुजार लिए सव्या नौजिया ज़िंदगी में मुझे कभी इतना नौजिया नहीं हुआ था जितनी मैंने वॉमिटिंग चार साढ़े चार महीनों में की वॉमिटिंग तबीयत ख़राब मुझे लगे कि मैं बेहोश हो जाऊँगी मर जाऊँगी अच्छा बाय द वे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि मार्च अप्रैल में मेरी मुझे बहुत बुरी खांसी लगी और तबीयत मेरी बड़ी ख़राब हुई उस वक्त इतना ज़्यादा कोरोना का स्केयर पाकिस्तान में नहीं आया था तो

वी वर ओके आफ्टर दैट अल्लाह का बड़ा शिक्र है दैट एवरी वन वॉज़ फाइन बट एक डाउट है कि वो जो चीज़ हुई थी उस वक्त सबको वो शायद करोना ही होकर ख़त्म हो गया था बिकॉज बाद में जब चेक किया तो एंटीबॉडीज़ बन गई थी खैर वन फोर एंड हाफ फाइव मंथ गुजर गए तेन रमजान ट्रांसमिशन मैंने की विद द सिटी न्यूज़ नेटवर्क उस दौरान भी नोजिया कुछ सबसाइड हो गया था लेकिन एट दिस स्टेज बैक एक बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई उन्हीं दिनों में मिड वे थ्रू द ट्रांसमिशन मैंने मतलब आई थिंक पंद्रह या चौदह रमज़ान था मैं अपने अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो पता चला कि आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया ये हसन की बारी भी मुझे थी और डॉक्टर ने यही कहा कि भाई अभी तो तुम जो भी काम शाम कर रही हो करी हो वैसे तो आई रिकमेंड डैट डॉक्टर शाहिना जो मेरी गाने हैं उन्होंने कहा कि अभी तो कर रही हो जो कर रही हो बट आफ्टर दिस नो नोमो वर्क मैं परेशान हूँ मैंने कहा वाई शीशा चुकन ये ज़रा सीरियस चीज़ हो जाती है एंड uh, अगर प्लेसेंटर प्लेसेंटा रप्चर हो जाए और आप लेबर में चले जाओ तो फिर बेबी उसी वक्त डिलीवर करना पड़ जाता है और इस वक्त ना तो तुम्हारा स्टेज है प्रेगनेंसी का ऐसा और ना ही बच्चे के सवाइव होने के चांसेस होंगे तो वाह तो खैर वो टाइम भी बड़ी एहतियात से रमज़ान ट्रांसमिशन निकाली शहरी की भी ट्रांसमिशन कर रही थी अफतारी की भी कर रही थी उसके बाद फिर एक तरह से ब्रेक ले ली फिर प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से बेड से ज़्यादा उठने की इजाज़त नहीं थी बेसिकली डॉक्टर ने कहा था बाथरूम जाने के लिए उठ सकती हो अगर तुमने बाथरूम तक जाना है मुँह धोना है ये वो वट एवर नहाना है उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना फिर बिस्तरे में पड़ गई अब डिप्रेशन का आप लेवल सोचें कि और और बहुत बुरे एक इमोशनल में टाइम से गुजरी क्योंकि लाइक आई सेट काम करने की इतनी आदत इतनी आदत इतनी आदत कि जब मेरे जैसे बंदे को आप घर बिठा देते हो तो आपके माइंड का किसी को भी आप घर फसा दो कहो कि यू कॉन्ट डू एनी और ये नहीं कि आपने काम नहीं सिर्फ करना आपने सोशलाइज भी नहीं करना आपने ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं है बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्टिविटी उसके अलावा हसन छोटा सा है यू you नो know, उसके साथ उछलना कूदना हमजा के साथ तो चलें बिस्रे में लेट के अपने बेटे के साथ मूवीज़ देख ली गप्पे लगा ली पर छोटे के साथ तब छोटे बच्चे के साथ तो आप भागते हो कैन एन एन एम एन एक्टिव मदर ये वो तो भाग दौड़ अच्छा एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ़ दैट बिकॉज मैं आई स्टक बिस्तरे में तो वेट भी बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो गया हर हसन की भारी तो मुझे एट्टी सेवेंटी फाइव एटी पाउंडस चढ़े थे अभी भी फिफ्टी तो चढ़ ही गए हैं पाउंड्स और हमज़ा के साथ जब प्रेगनेंट थी सिर्फ ट्वेंटी फाइव पाउंडस चढ़े थे तो तो so, आप खुद सोचें कि इस बार मैंने सोचा था कि नो इफ आई हैव एन बेबी मैं बड़ी एहतियात करूंगी ये करूंगी वो करूँगी बट आप खुद सोचें कि जो बंदा जिम भी दिन में दो दफ़ा जाया करता था उसको आपने घर पर क्या है कि अब आपने रहना है और बिस्तरे में ही रहना है आप कितनी भी एहतियात कर लें वेट तो आपको चढ़ना ही चढ़ना है और नॉर्मल से डबल चढ़ा अभी भी बात करते हुए सांस चढ़ जाता है इट इज प्रॉब्लमेटिक पाओ हर वक्त सूजे हुए होते हैं बैक में पेन होती है मतलब जब बड़े बूढ़े कहते थे ना बच्चे पैदा करना आसान काम नहीं है तो बिल्कुल ठीक कहते थे सो दिस इज़ बिन माई प्रेगनेंसी फार लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा चीज़ जो चुभी है ना जिससे दिल दुखा है जिसपे मैं फाइनली बात ख़त्म करना चाहूँगी वो ये है कि देखिए कोई भी औरत या मर्द बच्चा बुजुर्ग कोई भी जब वजन गेन करता है ना उसको पता होता है कि उसने वेट गेन किया है और उसको जाके बताना और उसको बुरा फील कराना ये बहुत ही बुरी बात है आम, मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड की अपनी आम, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ एक ब्रांड की आ, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की एक आउट था तो वो अपलोड किया तो बहुत से लोगों ने आ, प्यार भरे मैसेजेस भेजे लाड किया आप लोग बहुत ही प्यारे हैं इतनी सपोर्ट करते इतनी मोहब्बत देते हैं क्या हो गया यू नो आप जब किसी के सोशल मीडिया पे कोई चीज लिखते हैं तो आप को क्या लगता है कि अगला बंदा पढ़ता नहीं है और अगर मैं आप में से किसी को आके कहूँ ये मैं उन लोगों से बात करी हूँ जो इस तरह के कॉमेंट्स पास करते हैं हाय हाय तुम्हारे मुंह को क्या हो गया हाय हाय तुम्हारे रंग को क्या हो गया ये सब चीज़ें क्रुअल्टी के जुमरे में जाती हैं और वैसे भी शदीद पोलिटिकली इनकरेक्ट बातें हैं नहीं करनी चाहिए और एक नौ महीने प्रेग्नेंट औरत को हाय हाय इतनी मोटी हो गई है आई डोंट थिंक इट्स अ नाइस थिंग टू से एंड इवन इफ आई वाज नॉट प्रेग्नेंट अगर जनरली भी मुझे आपको किसी को भी वेट चढ़े ये कोई मतलब इट्स वेरी अनकाइंड सो दिस फैट शेमिंग दैट आई हैड टू एक्सपीरियंस मुझे बड़े लोग डांटते रहे और कहते रहे कि नज़र क्यों नहीं आ रही तस्वीर तो लगाया करो वी वॉन्ट टू सी द ग्लोइंग मामा वी वॉन्ट टू सी दिस दैट मैंने एट वन पॉइंट अ कपल ऑफ मंस को शेयर भी कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और ट्विटर पर कि आई एम प्रेगनेंट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग माई थर्ड चाइल्ड क्योंकि ईवन ग्रोसरी स्टोर में अगर जाना होता वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना की वजह से एक मेरे जैसे बंदे को ये फ़ायदा हुआ कि मैं वैसे ही मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी सेल्फ कॉन्शियस ऊपर से बाहर वैसे ही नहीं जा सकते थे बट जब फिर जाना शुरू किया तो लोगों के आगे से स्ट्यूपट कॉमेंट आई मीन स्ट्यूपट क्या अनकाइंड कॉमेंट स्टूपर्ड तो वो होता है जब आपको पता नहीं होता कोई कितना भी बेवकूफ़ हो उसको ये ज़रूर पता होता है कि अगले का दिल दुखेगा सो so, ये जो फैट सेमिंग इस प्रेगनेंसी में भी हुई है मैं वैसे एक बात बताऊँ व्यूअर्स मैं अल्लाह का शुक्र है कि मतलब नॉर्मली जो है मैं अपना वेट कंट्रोल में ले आती हूँ चीज़ें कर लेती हूँ लेकिन मेरा बहुत दिल खराब होता है उन लोगों के लिए जो अपने वेट के साथ स्ट्रगल करते हैं या जिनके स्किन के कोई इश्यूज़ हैं या उनके कम्प्लेक्शन के कोई इश्यूज़ हैं क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कंप्लेक्शन के इशू से मुराद ये कि मतलब उनको शौक है कि वो गोरे हों लेकिन उनकी स्किन डार्क है या या वो गोरे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी टैन कंप्लेक्शन हो इस तरह मुझे बहुत शौक है कि मेरी स्किन हल्की सी टैंड हो जब धूप में जाती हूँ मुँह साड़ के आ जाती हूँ और मुंह पूरा जला हुआ होता है और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि लिटरली मेरी स्किन पील करना शुरू हो जाती है छिलकों की तरह उतरना शुरू हो जाती है एक दो दिन बाद सो नो मैटर वो टाइप टैनिक बट खैर हर बंदे को कोई ना कोई चीज़ होती है जो उनको जो चुभती है किसी की नाक शायद जो जितनी उनको साइज़ की नाक पसंद है उससे बड़ी है किसी के कान ज़रा बाहर के हर बंदे में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो परफेक्ट नहीं है तो हम कौन हैं कि हम उनको जज करें थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है सबसे आज फिर आ, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बी काइंड टू तो इच अदर लोगों का दिल ना दुखाएं और अंडरस्टैंड करें कि जब हम लोगों के साथ इस तरह की बातचीत करते हैं वो चाहे उस वक्त मुस्कुरा रहे हो हंस रहे हों अंदर से उनके दिल पे क्या गुजर रही होती है इसका भी सोचना चाहिए हमें और कभी भी किसी को ऐसी बात ना कहें जो अगर आपको कही जाए तो आपको चुपे यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ दुआओं में याद रखना है बिल्कुल टेल एंड पे हूँ एट ऑफ द प्रेगनेंसी जस्ट अ फ्यू वीक्स टू गो अल्लाह हिम्मत दे मुझे क्योंकि कसम से लग रहा है पिछले नौ महीने से तो मैं सोई नहीं हूँ तो अब लुकिंग फॉरवर्ड टू मे बी गेटिंग वन फुल नाइट स्लीप ना राइट साइड पे लेट पाती हूँ ना लेफ्ट साइड पे लेट पाती हूँ बैक पे तो वैसे ही डॉक्टर ने मना किया हुआ है उठती हूँ तो चलती हूँ तो टांगों में दर्द शुरू हो जाती है बैठती हूँ तो कमर में दर्ज शुरू हो जाती है लेटती हूँ तो साइडों में दर्द शुरू हो जाती है हाल बहुत ख़राब है बस दुआओ में याद रखिएगा सो दिस इज़ बिन माई प्रेगनेंसी जर्नी सो फार थैंक यू फॉर लिसनिंग खुदा हाफिज़